देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो वहीं रामनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार है। ऐसे में गुड न्यूज ये आई है कि देश विदेश से रामलला के भक्त आसानी से दर्शन के लिए अयोध्या आ पाएंगे अब। बिल्कुल, आपको बता दें कि 11 जनवरी से अहमदाबाद से अयोध्या के बीच विमान सेवा शुरू होगी। तो इससे पहले इसी महीने के आखिर में यानी कि 30 दिसंबर को इंडिगो का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है और काम अपने आखिरी चरण में है, तो दूसरी तरफ रामनगरी में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार है। अब खबर है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो सबसे पहले अपना विमान इस एयरपोर्ट पर उतारेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस महीने की 30 तारीख से अपनी विमान सेवा शुरू करेगी। इंडिगो का विमान दिल्ली से उड़ान भरकर अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस शुभ और पावन अवसर की प्रतीक्षा में पूरा देश राममय हो रहा है, राम भजन में देश मगन है। देश भर में जहां उत्साह है, वहीं कलाकार गायक भी अपने सुरों के जरिए राम जी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, लखनऊ में भी गोमती किनारे महाबली हनुमान मंदिर हनुमंत धाम में युवाओं की टोली राम भजन गाने के लिए वहां पर मगन नजर आई। जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी। जय सिया राम, राम सिया राम। इस समय अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम के अनन्य भक्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरों के जरिए से, संगीत के जरिए राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। हम हैं लखनऊ के हनुमंत धाम में। श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान का ये धाम है हनुमंत धाम गोमती किनारे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये गा रहे हैं और राम को एक तरह से स्मरण कर रहे हैं। वैसे तो ये रॉक बैंड है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये युवा राम का नाम ले रहे हैं। हर चिंता दूर हो जाती है जब प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। राम के प्रति लोगों में आस्था है, असंख्य जनमानस के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरा देश राममय हो गया है और लखनऊ में भी हम बिल्कुल यही बात देख रहे हैं, जहां सुरों के जरिए श्री राम का स्मरण किया जा रहा है, सीताराम का स्मरण किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।